हैप्पी हरेला सबको गाइस। सो गाइस बहुत तेज की बारिश आ चुकी है जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ और थोड़ा सा दिखते भी है। कि एक क्यों दो खुशखबरी आने वाले गाइस, मैं यहाँ पर लेकर आ चुकी हूँ घी और पनीर की सब्जी और थोड़ी सी दही थी रात की और हो गई पूरियाँ। मैं हमारे पहाड़ों में रिवाज है कि अभी के टाइम पे बैकर निकाला जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उत्तराखंड व्लॉग्स। कैसे हो सब? मैं अच्छी हूँ, होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 11 बजे से और आप देख सकते हैं मैं रेडी बेडी हो चुकी हूँ। तो आज है हरेला, तो आपको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से हरेले की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सोमवार है, सोमवार में फास्ट लेना था बट मैंने इससे पहले एक ब्लॉग बना रखा। तो जैसे कि आपको पता है कि बोल रहे हैं कि अदमाश चल रहे हैं करके, तो लोग बोल रहे हैं कि नहीं लेने चाहिए, लेने चाहिए, अलग अलग बता रहे हैं। बट फाइनल हमने डिसीजन किया कि नहीं लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं ले रहे हैं, जो मेरे बेतालगढ़ वाली फैमिली है, तो उनके पंडित जी बोल रहे थे कि नहीं लेना, ले तो सकते हैं बट उसका कोई मतलब कोई फायदा नहीं होगा करके, तो वो मना कर रहे थे। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, जबकि मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने फर्स्ट टाइम पे ले रही थी मैं, बट अब लोग इस चीज़ को कह रहे हैं कि कोई मान्यता ही नहीं होगी इस चीज़ की, इस टाइम पे अच्छे से दिया जाएगा। तो कोई मैंने कहा कोई बात नहीं, रेडी वेडी तो हो जाते हैं और हरेला तो है ही, और साथ में सोमवार का व्रत लेना था, तो मैंने उसके लिए चूड़ियाँ ली थी। मैंने आपको दिखाया था पहले ब्लॉग में, तो हरी चूड़ियाँ मैंने उसके लिए ली थी, तो मैं सोचता खाली हरी चूड़ियाँ पहनूंगी और वाली चूड़ियाँ नहीं पहनूंगी, मतलब पीली वाली मिक्स नहीं करूँगी। तो आज हरेला है इसलिए मैंने ये हरी और पीली चूड़ियाँ पहने हैं, क्योंकि हरेला हरा और पीला होता है ना, इस टाइप का होता है ना, इसलिए मैंने कहा कि ना मिक्स कर दूँ, मैं कॉम्बिनेशन कर दूँ, तो कैसा लग रहा है। आज मंदिर भी नहीं जा रहे हैं, तो मैं बस इसलिए मतलब ऐसे रेडी वेडी हुई हूँ क्योंकि आज हरेला है, क्योंकि हमारे पहाड़ों में हरेले को बहुत अच्छे से बनाया जाता है, बट इस बार हरेले के लिए भी कुछ नियम निकाले गए हैं क्योंकि अदमास की वजह से। तो ये कहा गया है कि मतलब 8 बजे से पहले हरेला जिसने बो रखा था तो उनको उस टाइम पे काट देना है, और साथ ही में हरेला नहीं चढ़ाना है, हरेला किसी को बांटना भी नहीं है, ना ही किसी से लेना है, ना ही कहीं, ना ही मंदिर में चढ़ाना है। तो इस बार ही मतलब आदमास की वजह से कुछ नियम है जो हमको फॉलो करने हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया है, बट सॉरी ये व्लॉग थोड़ी टाइम मतलब कल आएगा, तो आपको शायद नहीं पता है, कोई बात नहीं, जिसको नहीं पता है कोई बात नहीं। तो चलिए मैं आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करती हूँ, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 11 बज चुके जैसे कि मैंने बोला आपसे, तो मैं जाती हूँ पूजा करने के लिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या बनाया है, क्योंकि कुछ चीज़ें बना दी है जो बनाने जाऊँगी थोड़ा सा, तो मैं वो आपको थोड़ा सा शेयर करूँगी, फिर उसके बाद देखते हैं आगे का क्या होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि मन में आपकी श्रद्धा कितनी है भगवान के प्रति, मेन ये होता है। बाद में पास लेना भी नहीं लेना की बात तो बहुत दूर की बात होती है, उसका फल आपको मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी बहुत दूर की बात है। तुम्हारे मन में कितनी श्रद्धा है भगवान के लिए, कितना मानते हो, आपके अंदर कितनी श्रद्धा है, अगर आप पास नहीं भी लेते हैं या फिर आप भगवान, अगर आप मंदिरों में नहीं भी जाते हैं या पाठ पूजा नहीं भी करते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन आप भगवान को मानते हैं और उसको दिल से मानते हैं उनकी, और वो आपके अंदर उनके लिए श्रद्धा है, तो आपको उनका जरूर फल ज़रूर मिलेगा आपको। आप कभी भी देख लेना ये चीज़ कि हर एक कोई इंसान पूजा नहीं करता, हर एक इंसान व्रत नहीं लेता, बट उनको उनका अच्छा होता है। क्यों होता है? उनके मन में श्रद्धा होती है, तो इसलिए उनको फल मिलता है। किसी किसी को तो ऐसे ही मिल जाता है, ऐसा ऐसे भी नहीं, मैं दोनों बात की बात रख रही हूँ यहाँ पे, कुछ बातें थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। और जाती हूँ मैं मंदिर में पूजा करने के लिए, क्योंकि पूजा दिखाते जाते बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, तो इसलिए मैं पूजा नहीं दिखा रही हूँ, बस मैं जाती हूँ, फिर मैं आपको और चीज़ें एक्टिविटीज़ दिखाती हूँ। तो चलो मिलते हैं। सो गाइस मेरी पूजा हो चुकी है, जिसके अंदर से फिर मैंने तिलक लगा दिया है और अब मैं जा रही हूँ पूरियाँ बनाने के लिए। आते हुए तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बना बनू के दिखाऊंगी सारा चीज़, तो काफ़ी टाइम हो चुका है इसलिए, तो मैं आपको सीधे डायरेक्टली बना बनू के सब चीज़ें दिखाती हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं मेरी पूरियाँ बन के रेडी है, और आपको लग रहा होगा ये कम बनाई है, तो ऐसा नहीं है, मैंने मतलब बनाते बनाते मम्मी और भाई ने खाते रहे इसलिए इतनी। और हमने बनाई है खीर, खीर भी आधी हो चुकी है क्योंकि मम्मी और भाई ने खा लिया है,
हमारा टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसीलिए बची थी रात की सब्जी, तो हमने और कुछ ऐसे सब्जी वब्जी बनाई नहीं, तो इसी को खाएंगे। तो चलिए मैं रखती हूँ और फिर खाते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर लेकर आ चुकी हूँ घी और पनीर की सब्जी और थोड़ी सी दही थी रात की और हो गई पूरियाँ। तो मैंने डोंगों में इसलिए लेकर आ गई हूँ क्योंकि इतने सारे बर्तन कौन सारा अलग अलग रखेगा, खाली क्यों बर्तन बढ़ाने वाले धोने के लिए। तो इसलिए मैंने कहा इसी में लेकर आ जाती हूँ। फिर चलो हम तो चलिए मैं खाती हूँ अब और मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो ये देखिए हमने मंदिर में भोग चढ़ाया था, यहाँ पर जो हमने पूरी बनाई थी और खीर बनाई थी तो उसका भोग चढ़ाया था। हरेला तो चढ़ाना नहीं था, इसलिए हरेला तो चढ़ाया नहीं है, बस हमने ये ऐसे करके यहाँ पर केला वेदा यहाँ पर रख दिया है। मैं हमारे पहाड़ों में रिवाज है कि अभी के टाइम पे बैकर निकाला जाता है, इसलिए मैंने बैकर निकाल दिया है, फिर हमें किसी को दान में देंगे। तो गाइस मैंने खा लिया खीर पूरी जो बनाए थे खा चुकी हूँ और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ मम्मी को, तो चलिए दिखाते हैं। सो गाइस यहाँ पर मेरी मम्मी भी आ चुकी है और मम्मी ने भी हरा सूट पहन रखा है, मैंने भी हरा सूट पहन रखा है और मम्मी अब कहीं जा रही है और मम्मी कुछ कहना चाहती है आपसे। हैप्पी हरेला सबको गाइस। सो गाइस मेरी मम्मी जा चुकी है, मेरी मम्मी जा रही है किसी के वहाँ पे हलवा पूरी देने के लिए, क्योंकि आज शिग्यान है, शिग्यान दी जाती है हमारे मतलब पहाड़ों का रिवाज है कि शिग्यान जब बनाते हैं मतलब त्यौहार जो बनाते हैं ये, तो उसको बांटा भी जाता है, बांटते भी हैं लोगों को। तो मम्मी जा ही रही थी, मम्मी ने कहा उनको भी दे लेते हैं करके, तो कुछ काम भी है और वो भी दे लेते हैं, तो इसीलिए। तो गाइस बहुत तेज की बारिश आ चुकी है जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ और थोड़ा सा धूपे भी है आज, सावन का मजा लेते हैं। चलो देखिए पूरी बारिश लग रही है, सुबह तक तो सही हो रहा था पर अब बारिश लग चुकी है यहाँ पर, आप देख सकते हो। ये देखिए छत में मेरे कपड़े भीग गए। जब तक मैं ऊपर छत में आई तब तक बारिश कम हो चुकी थी, पर मेरे फ्रंट के हेयर्स भीग चुके हैं और मेरा आपने स्लो मोशन में देख लिया होगा, तो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। और बारिश कम हो चुकी है तो जाती हूँ मैं नीचे, थोड़ी बारिश में भीगने के लिए आ रखी थी बट बारिश चलेगी तब तक, तो चलिए चलते हैं नीचे। आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि एक दो खुशखबरी आने वाली है, दो तीन खुशखबरी आने वाली है, तो मैं आपको जल्द से जल्द बताऊंगी। उससे पहले मेरे चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और खुशखबरी क्या है वो आपको मैं जब होगा उस टाइम पे बताऊंगी, उसका ब्लॉग एक और ब्लॉग बनाया जाएगा जो खुशखबरी है, वो खुशखबरी क्या है सोचिए तब तक। और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, वो आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, लाइक कर देना। तो मिलते हैं तब तक के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।